नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स दिखाने जा रहा हूँ। देखो, जब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एटमॉस्फेयर खुला होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए, सुबह सुबह का टाइम होना चाहिए, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, आपको नींद आएगी अच्छे से। आपका याददाश्त कमजोर है, मेमोरी लॉस है, तो आपको मेमोरी ठीक होगा, आप बहुत ही इससे कंसंट्रेट कर पाएंगे, स्पाइन ठीक रहेगा, लंग्स का डिजीज ठीक होगा। जैसे कोविड में स्टडी आया था, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, लीवर, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये करते कैसे हैं, थोड़ा कैमरा पास लेके बता दीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं, इसको करने का सिंपल तरीका है। पहले लंबी सांस ले, दो सांस ले अंदर, जैसे दो ब्रीथिंग ली, होल्ड करना है इसको, फिर मुंह से इसको छोड़ना है। अब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। नाक से सांस लेंगे एक बार बहुत तेज अंदर, फिर एक सांस और लेंगे, फिर इसको होल्ड कर लेंगे, होल्ड करके फिर मुंह से सांस छोड़ेंगे। तो देखिए, समझते हैं इसका तरीका। जैसे अब आंख बंद की, अब सांस लूंगा मैं अंदर, देखिए, ये मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया है, वरना मैं दो तीन मिनट तक सांस रोक लेता हूँ, उससे ज्यादा भी रोक सकता हूँ, आपको भी प्रैक्टिस होगी। अब इस सांस को लेने से क्या हुआ, खूब पेट भर के सांस गई, ये एब्डोमेन में जाएगी, लंग्स के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट होगी, ठीक है, आपके ब्रेन को अच्छी फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिलेगा, तो ब्रेन हेल्दी होगा। जिनको स्ट्रोक, लकवा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस ये आया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कमर की हड्डी ठीक होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन बनेगा, आपका एपेटाइट ठीक होगा, दस्त कब्ज वगैरह रहती है तो वो सब चीजें ठीक होंगी। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।